बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड लेसन 3, डार्क दिवर एंड गोल्डन नाइट। सो टुडे विल कंटिन्यू दिस लेसन फॉरवर्ड एंड रिज्यूम द चैप्टर। तो हमने पेज 18 पर ये पढ़ा था कि इट्स अ साइंस फिक्शन स्टोरी, एक ऐसा फिक्शन है जिसमें साइंस इन्वॉल्व है, और कुछ लोग हैं जो न्यूयॉर्क छोड़कर जंग से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम द वॉर, दे एस्केप्ड टू मार्स। मार्स पर जाने के बाद जब रॉकेट पहुंचा है तो वो ठंडा हो गया है और लोग उसके ढक्कन से या लिड से, कवर से या डोर से निकले हैं बाहर। देयर इज़ अ फैमिली of a man, a woman and 3 children, और बाकी सारे मुसाफिर जो हैं वो उनको छोड़ कर इधर उधर निकल गए। अब जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जिसका नाम हैरी है, वो काफ़ी ओवररीड है क्योंकि उसको लग रहा है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ऑन मार्स, और वो ये फील कर रहा है कि उसकी जो मसल्स हैं वो टाइट हो चुके हैं, उसकी सोल जो है वो किसी भी लम्हे निकल सकती है, और वो ख़ुद को बहुत ही किसी केमिकल में डूबा हुआ महसूस कर रहा है। इसके बाद जो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट है ऑन मार्स, वो कुछ ऐसे है कि जो हिल्स हैं, मार्शियन हिल्स हैं, वो बहुत ही पुरानी, टूटी फूटी, खस्ता हाल हैं। जो पुराने शहर कभी यहाँ पे कुछ कोई बसता था, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बच्चों की डेलिकेट बोन्स हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब कुछ आवाज़ आती है, एक तो बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ है, और कोई साउंड नहीं आती, सिर्फ सख्त हवा में या अकड़ी हुई घास कह लें या सख्त घास में किस चीज़ की आवाज़ है, हवा की, चलती हुई हवा की सनसनाहट है, इसके सिवा कोई जवाब नहीं है। अब हम पेज 18 पे नेक्स्ट रिज्यूम करें अपना लेसन। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, और उसने अपना सामान अपने सर्द हाथों में पकड़ा या उठाया। लगेज मीन्स बैगेज, बैग एंड बैगेज। उसने अपना सामान अपने सर्द हाथों में उठाया। हेयर वी गो, चलो चलते हैं, ही सैड, उसने कहा। अब मतलब कोई, उसने एक्साइटेडली नहीं कहा था कि चलो चलो चलते हैं। यहाँ पे वो आगे डैश लगा के एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे हमने बटन बटन में पढ़ा था कि डैश के दो यूजेस मैंने आपको बताए थे, टू एक्सप्लेन समथिंग और अ पॉज। यहाँ पे ये जो डैश है, इट मीन्स इट्स एक्सप्लेनिंग कि वो किस तरह से कहा था उसने। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी, जैसे कोई इंसान समंदर के किनारे खड़ा हो, रेडी टू वेट इन एंड बी ड्राउंड, गोता लगाने के लिए तैयार हो और डूबने के लिए। मतलब कि उसने, जैसे वो होता है ना, इंसान को विली नहीं लिया, अब हालात से मुकाबला तो करना है और उसको अब गुजारना तो है जैसे तैसे करके। तो वेड इन मीन्स डाइव इन, और उसके अंदर स्प्लैश करना, पानी में जाना, जैसे गोता लगाने और डूबने के लिए तैयार हो। तो वो ऐसे बोला जैसे बस अब सर पे आ पड़ी है, तो चलो अब चलते हैं। तो लेट्स सी इसके बाद क्या हुआ। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो कस्बे के अंदर चले गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे। अब बिटरिंग जो है उनका फैमिली नेम है, मतलब उन सब के नेम के साथ हैरी बिटरिंग था, तो उसकी वाइफ जो है वो मिसेस बिटरिंग है, उनके नाम बिटरिंग थे। आगे डैश लगा के एक्सप्लेन किया जा रहा है कौन कौन थे। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, हैरी और उसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, डैन, लॉरा और डेविड, ये उनके नेम्स हैं सबके। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ सकता है, व्हाट वर देयर नेम्स। ये उनके बच्चों के नाम है, कोरा, उसकी वाइफ है, डैन, लॉरा, डेविड आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटी सी सफ़ेद कॉलोनी बनाई, या कॉलोनी तो नहीं, कॉटेज आ गया तो घर बनाया। एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, वहाँ पे अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी नहीं गया। इट्स ले विद मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग, ये मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ लेट जाता या सोता। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, जैसे कोई तीसरा बिन बुलाया मेहमान। अनबिडन होता है जिससे हम कभी चाहते नहीं हैं, अनवेलकम्ड कह लें, अनविश्ड कह लें।
अनचाहा या बिन चाहा या बिन बुलाया। मिस्टर और मिसिंग के मिसेस बिटरिंग के साथ ये क्या ये जो खौफ था ये हमेशा मौजूद रहता, ये नहीं, ये उससे पीछा नहीं छुड़ा सके थे, ये हमेशा उनके साथ रहता। एट एवरी मिडनाइट टॉक, किसी तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह, पार्टनर साथी की तरह, आधी रात की गुफ्तगू के वक्त, एट एवरी डॉन अवेकनिंग, हर सुबह जागते वक्त या बिदारी के वक्त, यानी कि वो हर वक्त एक खौफ मौजूद रहता था, चाहे वो बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हर टाइम एक खौफ रहता था कि पता नहीं हम मार्स पे कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं। सो द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। इन लाइन्स को फिर से देख लें, उनके नाम बिटरिंग थे, हैरी और इसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा और डेविड। उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी या कुटिया या घर बनाया और अच्छे नाश्ते किए वहाँ, लेकिन खौफ कभी नहीं गया। ये मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ रहता एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान या शख्स की तरह, हर आधी रात की गुफ्तगू और हर सुबह बेदारी के वक्त मौजूद होता। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मुझे लगता है मैं शफाफ नमक का ज़र्रा हूँ। इस शहर, उसने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो एक पहाड़ी नदी में बींग वॉश्ड अवे घुलता रहता है। वी डोंट बिलोंग हेयर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बनाई गई थी। फॉर हेवन्स सेक कोरा, खुदा का वास्ता है कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, चलो घर के लिए टिकट ख़रीदें। अब यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हो, मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन के लिए तो आते ही है, साथ ही ये स्ट्रेस के लिए भी आता होता है। सो हेयर द स्ट्रेस मैटर्स, चलो घर के लिए टिकट ख़रीदें। बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने अपना सिर्फ सर ना में हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन ज़मीन पर एटम बम गिरेगा या ज़मीन से टकराएगा। देन विल बी सेफ हेयर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। अब लॉरा उसको मोटिवेट कर रही है या इनक्रेज कर रही है टू स्टे ऑन मार्स। सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल। इनसेन होता है जिसके होश और आवास बाकी नहीं रहते, यानी बिल्कुल ही दीवाना हो जाना, मैड कह लें। नॉनसेंस, बकवास, यानी फजूल बात। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज, मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम नफीस और अच्छे लोग हैं। यानी मार्स की जो क्लाइमेट है वो उनको सूट नहीं कर रही है, वो इतने नफीस और नाजुक और इन अ सेंस कि वो इतने डेलिकेट हैं कि मार्स की इतनी हार्ड किस्म की क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रही थी। दैट्स वाई सेइंग वे क्लीन एंड डिसेंट पीपल, हर उम्दा और नफीस लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल दैट सिटीज हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन दैम, तमाम मुर्दा शहरों में कुछ किस्म के भूत होते हैं। मेमोरीज, आई मीन मेरा मतलब है यादें। अब उनको कहना चाह रहे हैं जो शहर हमें नज़र आ रहे हैं जो डेलिकेट बोन्स की तरह, उनमें कुछ यादें हैं, कुछ पुराने भूत कह लें या बदरूहें कह लें, यादों की शक्ल में। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ देखा। यू सी अ स्टेयरकेस, तुम एक सीढ़ी देखते हो एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो व्हाट द मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, के मरीखी इन पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीखी तस्वीर देखते हो एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो व्हाट द पेंटर वाज लाइक, के मुसव्विर कैसा होगा। पेंटर जो मुसव्विर पेंटिंग करता है। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, तुम अपने दिमाग में एक छोटा सा भूत बना लेते हो, अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है, इमेजिनेशन, तखयल। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन क्रॉलिंग अप इन दोज रूम्स, हैव यू, क्या तुम इन तबाहकारियों में इधर उधर घूमते तो नहीं रहे। अब यहाँ पे क्रॉलिंग अप मीन्स यहाँ से वहाँ वॉन्डर करना और चोरी छुपे यहाँ वहाँ भागते रहना। अब वो बच्चों की तरफ देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये जो है ना पहाड़ियाँ, यहाँ पे छुप छुपा के यहाँ पे जाते हो, और मैं आपको कह भी रहा हूँ कि यहाँ किसी किस्म के भूत होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से उनको वार्न कर रहा है कि क्या तुम इन खंडरात में, रूंस कहते हैं वो जो रेमिनेंट्स होते हैं या रिमेन्स होते हैं, जो रैक्स, पुरानी टूटी फूटी डिस्ट्रक्शन होती है,
क्या तुम इन खंडरात पे इधर उधर घूमते रहे हो, प्रॉलिंग अप वॉन्डर और रोम और गैड अबाउट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है नॉन सेंस से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी दफ़ा आपकी ट्रांसलेशन में आया है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट इट्स ट्रांसलेशन। मैं फिर से बस ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। फजूल बात, मिस्टर बिटिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा, हम नफीस उम्दा लोग हैं। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, तमाम मुर्दा शहरों में या उजड़े शहरों में किसी न किसी किस्म के भूत होते हैं, मेरा मतलब है यादें। वो पहाड़ियों को तकता रहा, तुम एक सीढ़ी देखते हो और सोचते हो कि इस पर चढ़ते हुए मरीख के लोग कैसे दिखाई देते होंगे, तुम मरीख की तस्वीर देखते हो और सोचते हो कि मुसव्विर कैसा होगा, तुम अपने दिमाग में एक छोटा सा भूत बना लेते हो या ख्याल बना लेते हो, एक याद। ये बिल्कुल फितरी बात है, तखयल। वो रुका, क्या तुम इन खंडरात में यहाँ वहाँ घूमते रहे हो? नो पापा, नहीं अब्बू। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा, मतलब लग रहा था जैसे वो घूम के आया है वहाँ से लेकिन वो छुपा रहे हैं अब। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो वहाँ उनसे दूर रहना। तभी वो उसके शूज़ की तरफ देख के शायद कह रहा है कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, तो वहाँ से दूर होना जाना। पास द जैम, यहाँ पे जैम का मतलब वो ब्रेकफास्ट वाला जैम नहीं है, जैम एक सिचुएशन होती है जब जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, तो सब कुछ फंस जाता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो जैम मीन्स डिफ़िकल्टी और ट्रबल। पास, गुजर जाओ इस मुश्किल हालात से, जैसे तैसे गुजरो इस मुश्किल हालात से, जैसे करके गुजर जाओ, यानी कि हमें बस वक्त गुजारना है यहाँ पे, इन मुश्किल हालात से मुकाबला करो, यहाँ से गुजरो। जस्ट द सेम, ऐसा ही है सैड लिटिल डेविड, नन्हे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होने वाला है। बेट होता है एक प्रिडिक्ट करना, आइडिया लगाना कि ऐसा होगा, गैस कर लेना और बड़ा ही कन्फर्म गैस करना। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, उस शाम या उस दोपहर कुछ हुआ। लॉरा स्टम्बल थ्रू द सेटलमेंट, लॉरा उनकी बेटी का नाम है। स्टम्बल हमने वर्ड बटन बटन में भी पढ़ा था, स्टम्बल मीन्स स्टैगर और वॉक क्लम्सी, यानी लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते जिसे कहते हैं। लॉरा गिरते पड़ते कॉलोनी से आई, सेटलमेंट, वो सब जो इंसान आए थे मार्स पे, उन्होंने एक सेटलमेंट, एक कॉलोनी, कुछ घर बनाए हुए थे। कॉलोनी से गिरते पड़ते लॉरा आई रोते हुए, क्राइंग रोते हुए। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो अंधाधुंध भागती आई पोर्च की तरफ। पोर्च होता है जहाँ एंट्रेंस होती है, जैसे हम गैरेज टाइप, उसे उर्दू में डेवड़ी कहते हैं। वो डेवड़ी तक अंधाधुंध भागती आई। मदर, फादर, माँ या अम्मी, अबू, द वॉर, अर्थ, ज़मीन, जंग, अब उस टूटे बिखरे अल्फाज वो बोल रही है, वो स्ट्रक्चर जो हैं उसके टूट टूट के निकल रहे हैं, पॉजेज हैं, डैश है, मतलब कि वो परेशान लग रही है। शी इज़ वेरी ट्रॉमाटाइज्ड और वरीड कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। शी सोप्ड, उसने सिसकी ली, मतलब सोप वेप्ट को कह लें, रो रही थी जैसे सिसकियाँ भरते हुए। उसने कहा, अम्मी, अबू, जंग, ज़मीन। आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एक ख़बर आई अभी रेडियो पर, एक अहम ख़बर आई। फ्लैश होते जैसे अक्सर न्यूज़ देखते हैं तो एक न्यूज़ जो फ्लैश करी होती है, चमक रही होती है, उसको फ्लैश न्यूज़ कहा गया। रेडियो पर ख़बर आई, एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बम न्यूयॉर्क से टकरा गए, वही जो जंग से बचने के लिए वो आए थे, वो जंग हो चुकी ज़मीन पर, न्यूयॉर्क से एटम बम टकरा गए। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, सारे खलाई जहाज तबाह हो गए, ब्लोन अप, ब्लास्ट, एक्सप्लोडेड। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पर कभी कोई रॉकेट नहीं आएगा। ओ हैरी। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने अपने शोहर और बेटी को पकड़ा। आर यू श्योर लॉरा, क्या तुम्हें यकीन है लॉरा? आस्क द फादर क्वाइटली, बाप ने आहिस्ता से पूछा। लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। वी आर स्टैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख पर फंस गए। स्टैंडेड होता है टेंगल हो जाना, यानी ट्रैप्ड हो जाना किसी चीज़ में, उलझ जाना, उस सेंस से आ रहा है, यानी अब वो रो रही है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, फंस गए हैं हम यहाँ पे। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, काफ़ी देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, अलोन
अकेले थॉट बिटरिंग बिटरिंग ने सोचा, बिटरिंग ने तन्हा खड़ा सोचा, ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम सिर्फ 1000 यहाँ हैं, नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं, 3 दफ़ा आया, वही रेपिटेशन जो है वो स्ट्रेस या हम यहाँ पे क्योंकि वो उसकी वरी भी कह सकते हैं तो वो बात कर रहा है। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, ये वर्ड स्वेट है नॉट स्वीट, सो स्वेट मीन्स पसीना, पसीना उसके चेहरे एंड हिज हैंड्स और उसके हाथों एंड हिज बॉडी और उसके जिस्म से फूट पड़ा, स्वेट पोर्ड आउट अचानक से बाहर स्ट्रीम आउट करने लग जाना या फ्लो करना, पसीना बहने लगा उसके चेहरे उसके हाथों और उसके जिस्म से, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, वो अपने ही खौफ में डूब गया था या शराबूर हो चुका था, ड्रेंच पहले भी आया था शायद वर्ड, ड्रेंच मतलब वेट और सोक और सिंक, ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लॉरा, वो लॉरा को मारना चाहता था, स्ट्राइक करना हिट करना, क्राइड चिल्लाते हुए, नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, द रॉकेट विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे, ऐसा उसने कहा नहीं, इट वॉज जस्ट इमेजिनेशन, वो चाहता था ऐसे, इंस्टेड ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम, इसके बजाय उसने लॉरा का सर अपने साथ लगाया या थपकी दी, स्ट्रोक स्ट्राइक की ही सेकेंड थर्ड फॉर्म है, यानी कि उस पर हाथ से उसको पैट किया, एंड सैड और बोला द रॉकेट विल गेट थ्रू समडे, किसी दिन रॉकेट राबता कर लेंगे, गेट थ्रू करना कनेक्ट करना, मतलब कि वो एक तरह से हौसला दे रहा है अपनी बेटी को भी और अपने आप को भी कि चलो किसी ना किसी दिन तो हम वापस जाएंगे, लेकिन उसे एक तरह का डर भी है कि पता नहीं हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है। सो लिसन अगेन, सपहर के वक्त काफ़ी देर तक हवा की आवाज़ के सिवा कुछ ना था, तन्हा खड़े या तन्हा बिटरिंग सोचता रहा, सिर्फ 1000 लोग हम यहाँ हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, पसीना उसके चेहरे उसके हाथों और उसके जिस्म से बहने लगा, वो अपने खौफ में या खौफ की शिद्दत या हिद्दत में या गर्मी में डूब गया, वो लॉरा को मार कर चिल्लाना चाहता था, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, रॉकेट दोबारा वापस आएंगे, इसके बजाय उसने लॉरा का सर अपने साथ लगाया और बोला रॉकेट किसी दिन रابطہ करेंगे, फादर व्हाट विल वी डू, अबू हम क्या करेंगे, गो अबाउट आवर बिजनेस, अपना कारोबार करेंगे, ऑफ कोर्स यकीनन, रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे, वेट इंतज़ार करो, कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ों को ऐसे ही चलते रहने दो, मतलब ऐसे ही जाने दो जैसे हो रहा है सब कुछ, इंतज़ार करो, अपना काम जारी रखो, कीप ऑन अनटिल द वॉर एंड्स, जब तक कि जंग ख़त्म नहीं होती, एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट वापस नहीं आते। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, दोनों लड़के डेवरी से बाहर चले गए, बच्चों चिल्ड्रन ही सैड, उसने कहा सिटिंग ही देयर, वहीं बैठे हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे दूर देखते हुए, यानी वो आगे देख रहा था उनसे बाहर, आई समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वी नो दे सैड, उन्होंने कहा हमें हम जानते हैं, यानी उनको ऑलरेडी पता था, ही लुक विद डिसमे एट देयर हाउस, उसने अपने घर को डिसमे यानी डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस मायूसी से देखा, इवन द हाउस यहाँ तक के घर, द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ कुछ कर दिया है, द एयर्स बर्न इट, हवा ने इसे जला दिया है, यहाँ पे विंड्स और एयर्स के साथ जो एस है ये इसके लिए नहीं हैस के लिए आ रहा है, द फॉग एट नाइट, रात को धुंध पड़ती है, द बोर्ड्स तख्ते ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, सब अपनी शक्ल में बिगड़ गए हैं, वॉप आउट होना डिसफिगर होना डिफॉर्म होना शक्ल बिगड़ जाना, इट्स नॉट एन अर्थ मैंस हाउस एनी मोर, ये किसी तरह भी एक ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता, ओह योर इमेजिनेशन, ओह ये तुम्हारा तखयल, अब ये सारी बातें सोच रहा है आपस में कि कुछ अरसा हो गया है उनको वहाँ रहते हुए, तो घर की हालत देख के सोचता है कि सब चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, इवन के जो बोर्ड्स हैं जो तख्ते हैं जो घर के जिससे बना हुआ है उनकी शक्लें बिगड़ रही हैं, तो फिर इंसान क्या चीज़ है, फिर खुद ही कहता है कि ये तुम्हारे तखयल को क्या हो गया, ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई पहना, आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ, वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हम
अभी हमें कुछ करना है, आई बी बैक, मैं वापस आऊँगा। वेट हैरी, रुको हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई, बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑन द शेडो स्टेप, कस्बे में एक सायादार जगह पर, शेडी मतलब यहाँ पर शेड है, शेडी है, ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी किराने की दुकान होती है, जनरल स्टोर, किराने की दुकान की एक सायादार सीढ़ी पर या जगह पर कस्बे में, द मैन सेट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे बैठे थे, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लीजर एंड ईज, बहुत ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा लीजर, फुर्सत एंड ईज, सुकून, लीजर होता है फ्री टाइम, बहुत आराम और सुकून से बातें कर रहे थे, कन्वर्सिंग कन्वर्सेशन से है मतलब बातें करना। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग हवा में पिस्तौल चलाना चाहता था, मतलब उसको गुस्सा है कि इतने सुकून से बैठे हुए हैं, जंग हो रही है और हम वापस नहीं जा सकते, हम फंस गए हैं। व्हाट आर यू डूइंग यू फ्यूल्स, तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ये थॉट उसने सोचा, कहानी सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हुए, यू हैव हर्ड द न्यूज़, तुमने खबर सुनी, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सियारे पर फंस चुके हैं, वेल मूव, चलो निकलो यहाँ से, आर नॉट यू फ्राइटेंड, तुम खौफजदा नहीं हो, आर नॉट यू अफ्रेड, तुम्हें डर नहीं लगता, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो। ये सब कुछ उसने सोचा था, कहानी था, उसे सिर्फ गुस्सा आया कि ये क्यों इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं, सो उनको वो फूल्स कहता है। हेलो हैरी, हेलो हैरी, सेड एवरीवन, सब ने कहा। लुक ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, देखो, यू डिड हेयर द न्यूज़ द अदर डे, डिडंट यू, कल तुमने खबर सुनी ना। दे नॉडेड, उन्होंने अपना सर हाँ में लाया एंड लाफ्ड और हंसे। श्योर श्योर हैरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। डू हैरी, डू करना हैरी, करना है, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, दैट इज़ व्हाट, एक रॉकेट बनाओ, यही कर सकते हो। अ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, वापस उस मुसीबत में जाने के लिए। ओ हैरी, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हें वापस जाना चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुमने आड़ू के शगुफे देखे, ब्लॉसम्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लूम होते हैं, कलियाँ निकलती हैं, पहले फ्रूट ट्रीज पे फूल खिलते हैं, उसको शगुफे या ब्लूम्स या ब्लॉसम्स कहते हैं। द अनियंस एंड द ग्रास, तुमने आड़ू के शगुफे, प्याज और घास देखी। वाई, क्यों। यस हैरी, हाँ हैरी, सीम्स वी डिड, लगता है देखी। सेड वन ऑफ देम, वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी, मुझे नहीं लगता, याद नहीं पड़ता कि इससे कोई डर लगा हो। हैरी, इडियट्स, बेवकूफ़ हो। नाउ हैरी, अब हैरी, यानी वो एक बहुत ही रिलैक्स मूड में उसका मजाक उड़ाते हुए कि वापस जाना है या कलियों को क्या हो गया या फसलें कैसी हो रही हैं, दे डोंट बॉदर, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो हैरी को बहुत ही नॉन सीरियस ले रहे हैं, जबकि हैरी बहुत सीरियस है जाने के बारे में। सो कल हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। अब जो बच्चे, जिन बच्चों के पास वर्कबुक है, उनको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप डेली 5 पेयर वर्ड्स के सेंटेंसेस करते रहोगे, आपकी 1 वीक की वेकेशन है, तो आफ्टर 1 वीक आपके 30 पेयर वर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए सेंटेंसेस। जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो बाद में कंप्लीट कर लेंगे, तो जिनके पास है वर्कबुक वो अपने 30 पेयर वर्ड्स कंप्लीट करके लाएंगे ऑन मंडे। ठीक है बेटा, आपने ये वर्क करते रहना है साथ साथ, और लेटर के असाइनमेंट और स्टोरी के असाइनमेंट भी कंप्लीट रखनी है, जो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बटन बटन के वो भी, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सी असाइनमेंट अप करनी है। आपने पेयर वर्ड्स साथ साथ करते रहनी है, डेली 5 पेयर वर्ड्स। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़, ये लेसन रिवाइज़ कर लीजिएगा।